आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव गोवर्धनपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 3 किलोमीटर है। 1100 वोट और 3000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान विजय पाल सिंह के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान विजय पाल सिंह और सचिव दयाराम के द्वारा स्कूलों में सौंदर्यकरण और सड़कों का अच्छा विकास कराया गया है। इनके विकास कार्यों के कारण ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्ष में किस तरह से इन्होंने गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि किस बारे में। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के गोवर्धनपुर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने करवाए हैं गाँव में? मैंने अपने ग्राम पंचायत में काफी विकास कराया है जी। मैंने जैसे कि शौचालय बनाए हैं जी, ODF हो गई ग्राम पंचायत, ODF ग्राम पंचायत हो गई, और CC टाइल्स भी हुई हैं जी। CC टाइल्स कराया है, शमशान घाट का रास्ता कराया है, गौशाला पे काफ़ी काम हुआ है। वहाँ भी एक कमरा कैटरेट के लिए गौशाला काफ़ी अच्छी बनी हुई है, वहाँ जानवर भी हैं, गेट भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छा रास्ता है। वहाँ सभी लोग आते हैं, सभी देख कर आते हैं, बढ़िया बताते हैं। और आवास वगैरह मिले हैं, आवास 9 आवास थे, 9 में से 6 आवास दिए हैं, 5 SC के आवास दिए हैं जी, 4 5 SC के। यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये इन सब का लाभ आपके गांव में सभी लोगों को मिला जी, है? जी जी, सभी गांवों को मिला है। किसानों को सम्मान निधि का पैसा जो है सबको मिल रहा है, 2000 रुपये मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी लोगों को मिल रहे हैं। 60 साल है, विधवा है, विकलांग है, सभी तरीके की पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, राशन कार्ड, सभी टोटल पेंशन वगैरह सब, पेंशन सब कुछ। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है मेरे यहाँ, सफाई कर्मी सब आते हैं नियमित? जी जी, एक सफाई कर्मचारी महिला है, वो भी आती है जी। यहाँ स्कूल में सौंदर्यकरण आपने कार्यकाल के अंतर्गत क्या क्या काम करवाए हैं? स्कूल में मैंने काफ़ी कुछ अच्छा काम कराया है, छत की मरम्मत कराई थी, सबके गेट लगाए थे, लोहे के खिड़कियाँ लगाई हैं, काफ़ी शौचालय बनवाए हैं, उसमें अच्छे तरीके से बढ़िया टाइलें पहले अच्छे लगवाई हैं, और बरामदे में टाइल लगवाई हैं, और हैंड वॉश भी समर से भी काफ़ी सौंदर्यकरण आपने जो करवाया सब कराया। स्कूल में आप समय देते हैं जाकर, जिसे देखते हैं कोई परेशानी तो नहीं है, या मिड डे मील वगैरह की? मिड डे मील में जो मेनू है जो दे रखा है मैडम ने, उसी मेनू के हिसाब से खाना बनता है। 2 बार सोयाबीन की भरी भी बनती है, दाल भी बनती है, फल वगैरह सब, दूध भी जाता है, फल भी जाते हैं, केले सब कुछ। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं जी? नहीं, ये बने हुए नहीं है। ग्राम समाज की जगह है यहाँ पर? ग्राम सभा की जगह तो है, लेकिन वो जगह ज़्यादा बंजर है, बेकार है। अगर वहाँ अगर हम बनवाने की भी सोचेंगे तो बाढ़ आती है, बाढ़ की वजह से वहाँ ढहने का डर रहेगा। जी जी जी। तो अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से तो काफ़ी उम्मीदें हैं, अच्छा भी लग रहा है, सरकार अच्छा कार्यकाल कर रही है, और प्रधानों को भी अच्छा संकेत दे रही है। कोई भी जंगल ले जाए इंसान, अपने घर की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप, क्या गांव में ऐसी कोई समस्या आपको नज़र आती है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार मदद करे, सरकार ध्यान दे आपकी ग्राम पंचायत में? सरकार ग्राम पंचायत में काफ़ी ध्यान दे रही है, जैसे कि हमारा, मेरी तो इच्छा है कि एक पंचायत भवन होना चाहिए बारात के हिसाब से, कुछ जगह बगैर सरकार दे और उसके लिए बजट आए तो पंचायत भवन भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तीनों गांव में कोई पंचायत भवन ही नहीं है, अगर बारात के लिए अगर ये बन जाए तो आप काफ़ी अच्छा होगा। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास यहाँ इनके द्वारा इन 4 सालों में करवाया गया है, जैसे CC टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ अभी भी बाकी है, जैसे कि बारातघर, पंचायत भवन, ये अभी तक इस गाँव में निर्मित नहीं है, जिसकी वजह है कि ग्राम समाज की जो भूमि है वो बहुत ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है। अशरफ अली के साथ मनाजिम, टुडे 24। क्या नाम है आपका? कपिल देव जी। कपिल देव जी, ये बताइए, यहाँ 4 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को, 4 वर्ष में विकास को लेकर के क्या कहना चाहोगे? विकास काफ़ी अच्छा खासा हुआ है, प्रधान जी ने काफ़ी अच्छा विकास करवाया है, एक गौशाला बनवाई है, जैसे कि रास्ता बनवाई है, कब्रस्तानों की, गाँव में काफ़ी काम करवाया है, बहुत अच्छा काम कराया है, फिर ऐसा इतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना आपके साल में हुआ है। बेहतर के हुआ? हाँ, काफ़ी अच्छा हुआ है।
ग्राम प्रधान के कार्यकाल से आप खुश हो? बिल्कुल खुश है, हमारा पूरा जितने गांव लगते हैं हमारे दो, बिल्कुल सारे खुश हैं।